हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। आज मैं आप लोगों को बना के दिखाऊंगी आलू के कबाब। आलू कबाब बहुत टेस्टी होते हैं और यमी होते हैं। आलू कबाब बनाने के लिए सबसे पहले मैंने 1 kg पोटैटो ले लिए हैं। अब मैं इनको अच्छी तरह मैश कर दूंगी। ये देखिए, आलू मैश करने के बाद मैं इसमें ऐड करूंगी 1/2 प्याली लेमन जूस और 1/2 टेबल स्पून नमक। आप हसब ज़रूरत नमक ऐड कर सकते हैं और 1 टेबल स्पून यानी सॉल्ट और 2 टेबल स्पून काली मिर्ची। अब मैं इनको अच्छी तरह मिक्स कर लूंगी। मसाला हमारा मिक्स हो गया है। अब मैं इसको रख दूंगी और कबाब की फिलिंग को रेडी करूंगी। अब हम रेडी करेंगे कबाब की फिलिंग। कबाब की फिलिंग तैयार करने के लिए सबसे पहले मैं ऐड करूंगी एक पैन में 2 टेबल स्पून ऑयल, 2 टेबल स्पून में रखा है अभी। अब मैं इसमें ऐड करूंगी चिकन का कीमा, 250 ग्राम चिकन का कीमा ऐड करूंगी मैं इसमें और इसको अच्छी तरह फ्राई करूंगी। ये मैंने लो फ्लेम में ही रखा है अभी। फ्राई करने के बाद मैं इसमें ऐड करूंगी 2 टेबल स्पून सोया सॉस और 1 टेबल स्पून जीरा। अब मैं इसको अच्छी तरह मिक्स कर लूंगी। इसको भी मिक्स करने के बाद मैं इसमें ऐड करूंगी 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर और 1 टेबल स्पून काली मिर्ची पाउडर। इसको भी मैं पूरा मिक्स कर लूंगी। पूरा मिक्स करने के बाद मैं इसमें ऐड करूंगी 2 टेबल स्पून ऑनियन जो मैंने चॉप करके रखी थी, ना ज्यादा बारीक है और ना ही ज्यादा मोटी है। धनिया ने साइज की प्याज मैंने चॉप की है। अब मैं इसको 5 मिनट के लिए दम पर छोड़ दूंगी। चिकनों को हमारी 5 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसका प्याज भी हमारी सॉफ्ट हो चुकी है। अब मैं इसमें ऐड करूंगी हरी मिर्ची जो मैंने चॉप करके रख ली थी, 3 से 4 हरी मिर्ची और 1/2 टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर। अब मैं इसको अच्छी तरह मिक्स कर लूंगी। मिक्स करने के बाद मैं इसका फ्लेम ऑफ कर दूंगी और कबाब बनाकर दिखाऊंगी मैं। कबाब बनाने के लिए सबसे पहले मैं हाथों में थोड़ा ऑयल लगाऊंगी। ऑयल लगाने के बाद मैं इसमें थोड़े आलू लूंगी इससे। हाँ, ये देखिए इस तरह। अब मैं इसके बीच में मसाला रखूंगी।
मसाला रखने के बाद मैं इसको अच्छी तरह बंद कर दूंगी इस तरह। हमें इसमें ज़्यादा मसाला भी नहीं लेना ताकि हमारे कबाब टूट ना जाए तल फ्राई करते वक्त। ये देखिए व्यूअर्स, कबाब हमारा रेडी हो गया है, कितना अच्छा लग रहा है। अब मैं इस पर ब्रेड क्रम्स लगाऊंगी। इसी तरह मैं अपने सारे कबाब रेडी कर लूंगी। कबाब हमारे सारे रेडी हो गए हैं। अब मैं इनको फ्राई करने के लिए सबसे पहले लूंगी मैं दो अंडे, इनको अच्छी तरह बीट कर लूंगी। मैं इसमें ऐड करूंगी 1/4 चम्मच काली मिर्ची और हसबे जायका नमक। अब मैं इन कबाब को अंडे में डिप करूंगी और फ्राई करूंगी। कबाब हमारे फ्राई हो गए हैं, अब इनको प्लेट में निकाल देंगे। कबाब हमारे रेडी हो गए हैं, अब हम इनको सर्व करेंगे। ये देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं हमारे कबाब। आप भी अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जिसने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन